ओम शांति सभी को, ओम शांति एंड वेरी गुड इवनिंग। होलिस्टिक आईवीएफ के आज के सेशन में सभी का स्वागत है, वेलकम है। स्क्रीन पे आपका डिस्क्लेमर चल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, और आज की हमारी गेस्ट स्पीकर है बीके हर्षा दीदी, और आज का टॉपिक है डिजाइन योर लाइफ पार्ट 6। हमारी जो हर्षा दीदी हैं वो राजयोगा मेडिटेशन और स्पिरिचुअल गाइड हैं एंड शी इज फ्रॉम बैंगलोर। उनकी कांटेक्ट डिटेल्स भी हैं। आप सेशन को ध्यान से सुनेंगे और सेशन के एंड में जो भी आपकी क्वेरीज हो वो दीदी आंसर करेंगी। सो ओवर टू यू दीदी, और मैं आपको को होस्ट कर देती हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर, अ वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल। आप सभी को बहुत दिल से, बहुत प्यार से ओम शांति। जैसे कि सिस्टर ने अभी बताया, बहुत ही सुंदर टॉपिक आज के सेशन का है, आज के सत्र का है, डिजाइन योर लाइफ। सिस्टर, इफ पॉसिबल अगर आप स्लाइड्स दिखा पाए तो इट वुड रियली बी नाइस। विच स्लाइड्स? जो पीपीटी के स्लाइड्स हैं हमारे डिजाइन 6 डे के। ओके, एक मिनट में चेक करती हूँ कि मेरे पास आई है क्या। एक मिनट। ओके, सो टिल द टाइम सिस्टर गेट्स बैक टू अस, जैसे कि आज हम बात कर रहे थे कि डिजाइन योर लाइफ, आज का ये सेशन है, बहुत ही सुंदर टॉपिक, काफी पॉजिटिव लगता है। जैसे कि हम समझ सकते हैं इस टॉपिक से ही हमें समझ में आता है कि बहुत सुंदर अपनी दुनिया हम बना सकते हैं, और ये डिजाइनिंग करना भी हमारे ही हाथों में। जैसे कहा जाता है ना कि कोई बहुत सुंदर आर्टिस्ट हो तो अगर उसके पास कोई बहुत सारी अलग अलग कलर्स ना भी हो तो भी वो एक, जैसे आजकल हम सुनते आते हैं DIY का जमाना है ना, तो वेस्ट से क्या बना दिया जाता है, बेस्ट बना दिया जाता है। तो उसी तरीके से बहुत सुंदर जब यहाँ पर हम आए तो पता चला कि हमारे पास अभी जो है
हाँ, उसमें हम कैसे खुश रह सकते हैं और खुश रहते हुए हम कैसे बेहतर अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। तो चलिए आज आगे बात करते हैं, डिजाइन योर लाइफ कैसे किया जा सकता है, कैसे सुंदर रीति से हम अपनी जिंदगी को बहुत खुशनुमा बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत सुंदर कहानी के साथ, जिसमें अंत में हम समझेंगे कि जो मॉरल है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि कैसे जब हम कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं तो वो कैसे मिरेकल का काम करती है हमारे जिंदगी में। तो कहानी कुछ इस तरह की है दोस्तों कि एक बूढ़ी माता होती है, ओल्ड वुमन होती है, जिसके पास ज्यादा धन नहीं होता। वो काम करके अपनी अपनी जिंदगी का गुजारा करती है, कभी मजदूरी करती है, कभी किसी के घर में बर्तन मांजने जाती है, तो उसकी स्थिति काफी दयनीय होती है पैसे के दृष्टिकोण से। परंतु बचपन से उसने एक बात सीखी होती है अपने बड़ों से कि हर बात का परमात्मा को शुक्रिया अदा करना चाहिए। वी शैल बी हैप्पी एंड वी शैल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट एवर गॉड हैज गिवन टू अस। तो उसकी एक आदत होती है कि रात को सोने के पहले उसके पास जो जो चीजें होती है उन चीजों को वो सोचती है, उन लोगों के बारे में वो सोचती है जिन लोगों ने आज सारा दिन उनकी मदद की। तो ये जैसे कई सालों से उनका एक रूटीन बन जाता है, सोने के पहले उन सभी बातों का, उन सभी चीजों का, उन सभी लोगों का वो धन्यवाद करती हैं। प्रभु के सामने वो एक इच्छा व्यक्त करती हैं कि उन सब का भला हो आज जिन लोगों ने थोड़ी भी उनकी मदद की है। ऐसा करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। तो सब लोग उसको कहते हैं कि दाइमा आप तो बहुत गरीब हैं, अब धीरे धीरे करके आपका शरीर भी बहुत बूढ़ा होते जा रहा है, आपका शरीर बहुत बूढ़ा होते जा रहा है। नो प्रॉब्लम सिस्टर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई टेक केयर। तो ओके हाँ जी, नो प्रॉब्लम। तो आपका आपकी देख रेख करने वाला भी कोई नहीं है और इस बात से आप भी अनभिज्ञ नहीं है, आपको भी इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? और कई लोग ऑब्जर्व करते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं होता है, लिटरली कुछ नहीं होता, एक टूटी फूटी झोपड़ी होती है जिसमें से हमेशा बरसात अगर होती है तो पानी टपकता है। इतनी वो जर्जर हालत में है कि अगर कभी ज्यादा जोर से अगर आंधी आ गई तो ऊपर की जो छत है वो उड़ जाएगी। हाँ, इतनी उनकी बुरी कंडीशन होती है। घर में बहुत बिल्कुल नाम मात्र के बर्तन होते हैं, कभी एक टाइम का खाना मिलता है, कभी वो ना भी कमा पाए। जिस दिन वो नहीं जा पाती काम करने के लिए उस दिन उनका पेट भरना बहुत मुश्किल होता है। पर ऐसे में भी वो हमेशा थैंकफुल रहती है, हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करती है। तो किस्मत भी दोस्तों कैसे उनके साथ पलट जाती है, ये कहानी है उस बात की। तो जिस जगह पर वो रहती हैं वहां पर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, वो जमीन खरीदने के लिए आता है। तो आसपास की जमीन जो उसको पसंद आती है उसमें से वो भी एक जमीन होती है जहाँ पर वो ओल्ड वुमन, वो जो दाई माँ रहती हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस जमीन के उनको इतने पैसे मिलेंगे। तो मुंह मांगी कीमत देकर, हाँ, इतने सारे पैसे देकर वो इंडस्ट्रियलिस्ट उस जगह को खरीद लेता है। और जो भी वहाँ के फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, हाँ, उनको बहुत अच्छी एक सोसाइटी, बहुत बड़ी सी एक सोसाइटी में सबको एक एक घर दिया जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि उनके पास थोड़े में भी थोड़ा था और उन्होंने दिल से, हाँ, हर बात का ईश्वर को शुक्रिया अदा किया। तो जिस तरह की एनर्जी हम एमिट करते हैं, हाँ, वही एनर्जी हमारे पास वापस लौट कर आती है। अगर सारा दिन मैं नेगेटिव सोचूं तो जाहिर से बात है कि आने वाले कुछ पलों में, कुछ घंटों में या शायद कुछ दिनों में मैं नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट कर रही हूँ। अगर मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मेरे पास जो है जितना है, हाँ, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा हार्टफुल रहती हूँ, थैंकफुलनेस शो करती हूँ, तो जाहिर सी बात है आने वाले जो कल है
वो उसमें मैं उसी तरह की एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित करती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, इस सुंदर से स्टोरी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है ना कि दर दर हम जिसको ढूंढ रहे हैं, क्या पता था कि जिसको अलग अलग चीजों में इधर उधर ढूंढ रहे हैं, शायद अपने अंदर झांक कर देखा होता तो शायद हम बहुत खुश होते। कई बार हम दूसरी चीजों में, लोगों में खुशी ढूंढते हैं, चाहते हैं कि हमें कोई जो भी हम कार्य करते हैं उसके लिए हमेशा वो हमें अप्रिशिएट करें। खुशी चीजों में ढूंढते हैं, लोगों में ढूंढते हैं, पर अपने लिए हम समय नहीं निकालते, अपने आप को नहीं हम जानते ठीक रीति से। एक सुंदर सी एक्टिविटी आज हम करते हैं। कोई भी आपका जो बहुत सबसे प्रिय व्यक्ति है, आप अपने मानस पटल पर उसको लेकर आए, अपने प्रिय व्यक्ति को, और आपके प्रिय जो आपका फेवरेट पर्सन है, जिनको आप बहुत ज्यादा दिल से प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, उनकी ऐसी 5 क्वालिटीज आपको लिखनी हो। तो जल्दी से आप पेन पेपर उठाएं और उनकी जो भी फर्स्ट 5 क्वालिटीज, आई एम श्योर आपको उनकी बहुत सारी क्वालिटीज पसंद आती हो, बट तो ये 5 क्वालिटी जो आप चाहते हैं कि आपके अंदर भी वो हो या बहुत इम्प्रेस करती है वो क्वालिटीज आपको, आप जल्दी से उसको नोट डाउन करें। आई टेक अ मिनट्स पॉज। जैसे ही आप उन क्वालिटीज को लिखें, महसूस करें कि वो क्वालिटीज आपके अंदर भी धीरे धीरे आती जा रही हैं। दूसरी एक्टिविटी की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें आपको जिसमें आपको अपनी 5 क्वालिटीज लिखनी है। आई टेक अ मिनट्स पॉज। आप जल्दी से अपनी जो 5 क्वालिटीज है आपको बेहद पसंद है, आप वो लिख सकते हैं। ओके उमा सिस्टर, इट वुड बी ग्रेट अगर आप उस पीपीटी को यहाँ पे प्रेजेंट कर सकें, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल, अगर पॉसिबल है तो, जिसमें कि आत्मा और परमात्मा का जो चैप्टर्स हैं वो हैं। एक मिनट दीदी, आपने कुछ बोला, सॉरी मैं, एक और सेशन चल रहा है एक्चुअली। हाँ जी 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 नो प्रॉब्लम। तो मैं ये बोल रही थी कि आपको, कि अगर आप वो पीपीटी अगर आपको मिली हो ना, हाँ जी, तो हाँ जी, तो उसको प्रेजेंट अगर आप कर पाए तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ, श्योर श्योर श्योर, आई विल डू दैट, गिव मी अ मिनट। श्योर। तो जैसे यस यस इट्स विजिबल, वेरी मच विजिबल। आपको चेक करना होगा नेक्स्ट स्लाइड्स में आत्मा का परिचय है, तो हम सबसे पहले सोल के थ्रू स्टार्ट करेंगे। Next slide, please. That's right, yeah. इसके पहले वाली जो स्लाइड थी ना, शिव परमात्मा के पहले वाली स्लाइड, आप वो ला सकते हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वी विल टॉक अबाउट दिस इन सम टाइम, बट इसके पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें अपने पसंदीदा व्यक्ति, जो हमारा फेवरेट व्यक्ति है, उसके बारे में हमें 5 क्वालिटीज लिखनी थी, ओके? और फिर हमें सोचना था अपने बारे में, अपनी वो 5 क्वालिटीज जो हमें बेहद पसंद है। तो आप चैट बॉक्स में हमें मुझे लिख के बता सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी आपको लगा कि शायद थोड़ा डिफिकल्ट थी, और मे बी यू नो इट हैज टेकन अ लिटिल लॉन्गर टाइम फॉर यू। आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ज्यादातर ऐसा पाया गया कि जो सेकेंड एक्टिविटी है वो शायद थोड़ी डिफिकल्ट होती है, या उसे करने में थोड़ा हमें ज्यादा सोचना पड़ता है। द सिंपल रीजन बीइंग, कई दफा कई बार दूसरों की ओर तो हम बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे पाते हैं, उनकी खूबियों के बारे में हम जानते हैं, या उनकी नेगेटिविटी की तरफ भी ध्यान जाता है, परंतु जब बात अपनी होती है, अपनी क्वालिटीज के बारे में, शायद हम उस पर बहुत कम ध्यान देते हैं, बहुत कम चिंतन करते हैं। इसको हम कहेंगे कि इंट्रोस्पेक्ट, हाँ, इंट्रोस्पेक्शन का टाइम शायद हम अपने लिए कम देते हैं। वी अप्रिशिएट यू नो आवरसेल्व्स शायद इन अ वेरी लिटिल मैनर। तो इस एक्टिविटी से हम ये सीखते हैं, है ना, कि अपनी खूबियों को भी आप पहचानें। दूसरों की तो डेफिनेटली खूबियों को हम देखें और उनको परख कर हम भी अपने अंदर वो गुणों को धारण करें। बस इसके साथ साथ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सारा फोकस हम अपने ऊपर भी लें, और हमेशा याद रखें कि मैं बहुत यूनिक हूँ, मैं बहुत डिफरेंट हूँ, और मेरे जैसा इस दुनिया में अब कोई कोई और नहीं है। तो जो भी रोल मेरा अभी मिला हुआ है, मेरे को मुझसे बेहतर और कोई प्ले कर भी नहीं सकता। इसी सुंदर शुरुआत के साथ चलिए आज हम अपनी खूबियों के बारे में, अपनी क्वालिटीज के बारे में समझते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक हाड़ मास का पुतला है, एक जेंटलमैन का भी फोटो दिखाई दे रहा है, सूट पहने हुए हैं, बट उसके बीच में प्लस साइन के बगल में आप देख सकते हैं कि बहुत चमकता हुआ सितारा है। तो इस शरीर को, हाड़ मास के पुतले को चलाने वाले, उसको कमांड देने वाले वो शक्ति मैं हूँ, जिसको हम अलग अलग भाषा में आत्मा कहें, स्पिरिट कहें, सोल कहें, रूह कहें, एनर्जी कहें, बट बात तो एक ही है। तो इस शरीर को चलाने वाली, इससे कार्य कराने वाली और सारे इंस्ट्रक्शंस देने वाली मैं वो चमकती हुई मणि शक्तिशाली आत्मा हूँ। अब हम बात करते हैं अपने स्वरूप को। जैसे हम जान चुके हैं कि आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट शाइनिंग इन द मिडल ऑफ द फोरहेड। तो आत्मा का जो निवास स्थान है, मेरा निवास स्थान भ्रुकुटि के बीच में, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड है। अब सिंपल सी बात है, जैसे कई धर्मों में तिलक लगाया जाता है माथे पर, वो किस बात का सूचक है? वो इसी बात का सूचक है कि हम अपने आप को याद दिला रहे हैं कि ये जो चैतन्य शक्ति है इस शरीर को चलाने वाली, वो मैं हूँ। तो उसको तिलक के फॉर्म में लगाकर याद रखा जाता है। अब आत्मा का रहने का स्थान भ्रुकुटि में ही क्यों है, आगे की तरफ ही क्यों है? इसका सिंपल रीजन देखिए, अगर हम समझें तो जब गाड़ी चलानी होती है, कार चलानी होती है, तो ड्राइवर कहाँ बैठता है? सामने की सीट पर, ताकि उसके हाथ में सारे कंट्रोल रह सके। ठीक उसी रीति से आत्मा का रहने का स्थान भ्रुकुटि के बीच में, ताकि वो सारे शरीर को ठीक रीति चला सके। आइए जानते हैं कि मुझ आत्मा की कौन कौन सी अलग अलग खूबियां हैं, कौन कौन से गुण हैं। तो जैसे कि आत्मा को कहा जाता है कि वो 7 रंगों से बनी हुई सप्तरंगी आत्मा है, तो बहुत सुंदर। जैसे हम बचपन में साइंस का एक्सपेरिमेंट भी करते थे, विपजोर के कलर्स
एक ऐसे फ्लैश कार्ड में लेके, जब हम उसको रोटेट करते थे तो क्या होता था, फिर सारे कलर्स रोटेट होके जोर से जब हम उसको घुमाते थे तो फिर से वो वाइट कलर का लाइट हमें दिखाई दे देता था। तो मैं आत्मा भी चमकता हुआ मणि, सफेद कलर का प्रकाशमय, एक मणि के समान रुकुटी के बीच में चमकती हूँ, और मेरे जो सात क्वालिटीज हैं बहुत ही सुंदर, सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान शक्ति और पवित्रता है। इसको अलग अलग कलर से डोनेट किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जब मुझ आत्मा के अंदर ये सात क्वालिटीज धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं, हाँ, तो क्या होता है, मेरी सोच में, मेरे बोल में और मेरे कर्म में इसके विपरीत हम कार्य करने लग जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं, इसके विपरीत हम बात करने लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, मुझे पता है कि शांति मेरा निज गुण है, मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसी यही क्वालिटी से मैं आत्मा बनी हुई हूँ। इसीलिए हमें प्यार से की हुई बात ज्यादा अच्छी भी लगती है और हम जल्दी से उसको करना चाहते हैं। इसके विपरीत, प्यार के विपरीत, शांति के विपरीत, अगर कोई हमें गुस्सा करे या डांट करे कोई काम, तो शायद वो काम हम कर भी देते हैं पर पूरे मन से नहीं करते। तो जिस गुण से मैं बनी हुई हूँ, उस वो गुण के साथ कही हुई बात, सोची हुई बात या किया हुआ कोई भी कर्म, वो जब उस रीति से किया जाता है, तब उसको कहते हैं कि मैं आत्म अभिमानी स्थिति में हूँ। आई एम इन माई परफेक्ट सोल कॉन्शियस स्टेट। इसके विपरीत, जब मैं सात गुणों के विपरीत सोचना बोलना और कार्य करना करती हूँ, तब उसको कहेंगे कि दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज इन द टोटल बॉडी कॉन्शियस स्टेट। जैसे अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ अभी, तो मैं क्या हो गई, अभी बॉडी कॉन्शियस स्टेट में। मान लीजिए मेरे अंदर अभिमान है, ईगो है, मेरे अंदर जेलसी है या किसी बात के लिए नफरत है, तो मेरा जाहिर सी बात है कि बॉडी कॉन्शियस स्टेट है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, हमने समझा मैं कौन हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा, कहाँ रहती हूँ, भ्रुकुटी के बीच में, इस शरीर को चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति हूँ। साइंस में भी हमने पढ़ा था, एनर्जी के नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक उसी तरीके से मैं वो शक्ति, मैं जो ऊर्जा का स्रोत हूँ, जो शक्ति हूँ, ना वो कभी पहले, हाँ, उसका कभी नाश हो सकता है, ना वो कभी बनी थी। तो ये ना, तो इसलिए कहा जाता है कि आत्मा, गीता में भी कहा गया आत्मा अजर अमर अविनाशी, एक एनर्जी का फॉर्म है। इन्हीं गुणों से मैं आत्मा बनी हुई हूँ। तो अब मन में प्रश्न उठता है कि मैं अपने सात गुणों के विपरीत सोचना बोलना और कर्म करना क्यों छोड़ देती हूँ। कभी कभी मैं आत्माभिमानी स्थिति में हूँ, कभी कभी मैं उसके विपरीत बॉडी कॉन्शियसनेस स्टेट में आ जाती हूँ, तो ऐसा क्यों होता है? इसका सिंपल रीजन है, जैसे अभी आप सारे दिन का एग्जाम्पल लें, अर्ली मॉर्निंग होती है, फिर मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, फिर क्या हो जाता है, घोर रात्रि आ जाती है। तो हम भी क्या होते हैं, सुबह बहुत फ्रेश होते हैं, आफ्टरनून को शायद थोड़े थके होते हैं, इवनिंग में वो थकावट और बढ़ जाती है, और रात को तो क्या हो जाता है, कई बार हम इतना थक जाते हैं कि हम क्या कहते हैं, मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही, अब मैं कोई काम नहीं कर सकती। तो ठीक उसी प्रकार मुझ आत्मा की भी बैटरी क्या हो गई, एक बैटरी के रूप में आप आत्मा को समझें, बैटरी बहुत ज्यादा डाउन हो गई। जब बहुत अर्ली मॉर्निंग थी तो भगवान के घर से हम क्या आए, बिल्कुल फ्रेश होकर आए, संपूर्ण चार्ज थे हम। इसीलिए सात गुणों को यूज करके ही, हाँ, हर सोच बोल और कर्म रहती थी। धीरे धीरे करके दोपहर हुई, मतलब मैंने शरीर लिया और छोड़ा, लिया और छोड़ा, मतलब बर्थ और डेथ के साइकिल में मैं आ गई। तो जितनी जितनी मैं आत्मा बैटरी यूज होती गई जन्म बाई जन्म, जन्म बाई जन्म, तो क्या हो गया, मैं डिस्चार्ज होने लग गई ना।
अच्छा, फिर मैंने चार्ज तो नहीं किया अपने आप को? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, इसको थोड़ा सा हम गहराई से समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मॉर्निंग में बिल्कुल फ्रेश बैटरी, एकदम चार्ज। तो जब हम ऊपर से परमात्मा के घर से आए तो हम सब कैसे थे? बहुत चार्ज सब थे, है ना? और शांति से सोचना, बोलना और कर्म करना, ये हमारा निज गुण था। हम हमें याद था कि मैं हूँ ही कैसी, शांत स्वरूप। अपने फूड को और अपने वाटर को चार्ज कर सकते हैं। जब हम अपना सत्य परिचय मिल गया, हाँ, परमात्मा का सत्य परिचय मिल गया, तो उनकी याद में जब हम रहेंगे, मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट, और ऐसा अनुभव करें कि वो सर्वशक्तिमान पिता ठीक मेरे ऊपर, पॉइंट ऑफ लाइट, गुणों के सागर, वो सर्वशक्तिवान, अनंत किरणें उनकी मुझ पर पड़ रही है। फील करें, रुकुटी के बीच में मैं आत्मा चमक रही हूं। परमात्मा की सर्व शक्तियां निरंतर मेरे साथ हैं। परमात्मा से निकलकर ये सारी शक्तियां मेरे अंदर समा रही हैं। मैं हूं ही मास्टर सर्वशक्तिवान। धीरे धीरे परमात्मा से की किरणें निकल चारों ओर मेरी तरफ एक सुरक्षा कवच बना रही है। परमात्मा से ये किरणें निकल अब धीरे धीरे कर घर के चारों ओर पर फैल रही है। मेरे नैनों से, मेरे हाथों से, मस्तिष्क से, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। मेरे भ्रुकुटी से शक्तिशाली किरणें निकल खाने को और पानी को चार्ज कर रही हैं। इसी तरीके से मैं आत्मा रोज अपने खाने को और पानी को चार्ज करती हूँ। इसी बात के साथ दिल से परमात्मा का हम सब शुक्रिया अदा करेंगे। और इस दिन के लिए दिल से परमात्मा का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।